वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड पार्ट ऑफ मोहन्स चाइल्डहुड, इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पैरा प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड. जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहनदास की जो इच्छा थी पढ़ने के प्रति जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी. इस वजह से अब उन्होंने सोचा कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर इंग्लैंड जाने की प्रिपरेशन. भावजी दवे वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मोहन्स फादर. मोहन के फादर के भावजी दवे जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ही वॉज ऑफन कंसल्टेड इवन ऑन फैमिलीज मैटर. और जो मोहन के जो फादर के जो फ्रेंड थे भावजी दवे, बहुत ही अच्छे थे और वो हमेशा उनकी जो मतलब फैमिली मैटर्स जो थे उनमें भी वो कंसल्ट किया करते थे. ही वॉज कॉल्ड एंड कंसल्टेड ऑन मोहन्स फ्यूचर करियर. उनको मोहन के फ्यूचर के लिए, उनकी मोहन के करियर के लिए, उनके फ्यूचर, मोहन के फ्यूचर के लिए भी उनसे कंसल्ट किया जाता था. ही आस्क्ड मोहन व्हाट करियर डू यू वांट टू गो इन फॉर. अब वो उन्होंने मोहन को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ तुम करियर में, अपने करियर में क्या करना चाहते हो, आगे बढ़कर क्या करना चाहते हो. मोहन रिप्लाइड आई वॉन्ट टू स्टडी मेडिसिन. मोहन ने रिप्लाई किया कि मैं मेडिसिन की स्टडी करना चाहता हूँ. बट विल यू डिसेक्ट डेड बॉडीज, सेड मिस्टर दवे. अब मिस्टर दवे ने कहा कि लेकिन विल यू डिसेक्ट डेड बॉडीज, क्या आप डेड बॉडीज को डिसेक्ट करोगे. ओ नो, यू कैन नेवर डू दिस लुक लाइक योर फादर. वी वॉन्ट यू टू बी अ दीवान एट राजकोट और पोरबंदर. अब उन्होंने जब ऐसा पूछा उनसे तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें तो अपने पिता की तरह राजकोट का दीवान होना चाहिए. ऐसा उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते. फॉर दिस यू नीड टू स्टडी लॉ. इसके लिए तो तुम्हें लॉ की स्टडी ही करनी ही पड़ेगी. सो नाउ टेल मी, डू यू वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. अब उन्होंने उनसे पूछा मोहनदास से कि क्या तुम लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते हो. This was exactly what he wanted. अभी exactly वही बात थी जो मोहनदास करना चाहते थे. मोहन immediately replied, yes अंकल. मोहन ने जल्दी से reply किया कि हाँ अंकल, I will go to England. मैं इंग्लैंड जाऊंगा. I will study law. मैं वहां लॉ पढ़ूंगा. I agree with your suggestion. मैं आपकी suggestion से agree हूँ. ऐसा उन्होंने कहा. मोहन was pleased with अंकल दवे's advice, but his mother was in a fix. मोहनदास जो थे वो अपने अंकल के एडवाइस से बहुत खुश तो थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो बहुत ही फिक्स थी हर मामले में. माय मोनिया विल बी अवे फ्रॉम मी फॉर 3 years. उन्होंने बोला कि अरे मेरा बेटा 3 साल तक मुझसे दूर रहेगा. हाउ विल आई स्टैंड दिस सेपरेशन, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी. शी सैड शी हैड हियर्ड दैट दोज हु हैड गॉन टू इंग्लैंड हैड स्टार्टेड टेकिंग लिकर एंड नीट एंड हैड स्पॉइल्ड देयर हैबिट्स. उन्होंने ये भी बताया कि मैंने ये भी सुना है कि जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब विदेश चले जाते हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, मांस खाना शुरू कर देते हैं और कई सारी गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं. मदर यू कैन ट्रस्ट मी. अब इस ऐसी बातें सुनकर मोहनदास कहते हैं कि माँ आप मुझ पर विश्वास तो करो. आई स्वेयर नॉट टू टेक एनी ऑफ दिस थिंग्स यू फियर फॉर. आप जिन मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जिन सब चीज़ों से आप डरते हो मैं इनको कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा. सेड मोहन टू कन्विंस हिज मदर. उन्होंने अपनी मदर को कन्विंस करने के लिए कहा. बट शी स्टिल हैजिटेटेड. लेकिन फिर भी वो बहुत हैजिटेट हुई, मतलब वो बहुत घबरा रही थी कि मैं अपने बेटे को बाहर कैसे भेजू. शी सेड टू हिम लेट मी कंसल्ट बेचारजी स्वामी. उन्होंने कहा कि रुको मुझे बेचारजी स्वामी से कंसल्ट करने दो. इफ ही कॉन्कर विद ब्रदर्स दवेज एडवाइस आई विल लेट यू गो. अगर वो दवे भाई की एडवाइस से अगर सहमत हो जाएंगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी. ऐसा उन्होंने कहा. बेचारजी स्वामी वॉज अ जैन साधु. बेचारजी स्वामी जो थे वो जैन साधु थे एंड अ सिंसियर वेल विशर ऑफ द फैमिली. और उनकी फैमिली के शुभ चिंतक भी थे. व्हेन ही वॉज कंसल्टेड ही सेड टू मोहन्स मदर. जब मोहन की जो माँ उनके पास कंसल्ट करने के लिए गई तब उन्होंने मोहन की माँ से कहा,
पुतली बाई, यू नीड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इज सेंडिंग यू सन टू इंग्लैंड। उन्होंने कहा कि पुतली बाई, तुम्हें तुम्हारे बेटे को इंग्लैंड भेजने में कोई भी मतलब किसी भी तरह की हिचकिचाने की जरूरत नहीं है या संकोच करने की जरूरत नहीं है। ही इज अ प्रोमिसिंग बॉय एंड ऑल्सो क्वाइट मॉडर्स। उन्होंने कहा कि वो जो लड़का है बहुत ही अच्छा है और वो वचनबद्ध है, वो कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। He will abide by your wishes, और वो तुम्हारे आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है, उसे आशीर्वाद दो। He won't spoil himself, वो कभी भी अपने आप को नहीं बिगाड़ेगा। Let him go, उसे जाने दो। She was convinced and satisfied with the advice the Jain sadhu gave. जैन साधु ने जो भी एडवाइस दी उससे उनकी जो माँ थी, मोहनदास की जो माँ थी, सेटिस्फाइड हो गई। And so she finally gave her consent to him to go to England. और इस तरह से finally उन्होंने मोहनदास को इंग्लैंड जाने दिया। There was one more obstacle to be overcome. अब एक परेशानी और थी जिससे बाहर आना था। Who was to bear the expenses of his education in England? कि उनकी इंग्लैंड में जो पढ़ाई है उसका खर्चा कौन उठाएगा? His father had not saved enough money. उनके फादर ने ज़्यादा पैसे नहीं बचाए थे। The family did not expect any monetary help from his castmen. और जो फैमिली थी उसको उनको भी किसी भी तरह की कोई अदर हेल्प नहीं मिलती थी। The possibility of getting a scholarship was also not there. और यहाँ तक कि उनको कोई किसी भी तरह की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती थी। मोहन वॉज वरीड, अब मोहन जो थे बहुत चिंतित हो गए। एंड वैन हिज एल्डर ब्रदर लक्ष्मी दास फाउंड हिम सो वरीड, ही प्रोमिस टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। अब जब उनके जो बड़े भाई थे लक्ष्मी दास, उन्होंने जब देखा कि मेरा जो छोटा भाई है बहुत उदास है क्योंकि उन्हें इंग्लैंड जाना लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने प्रोमिस किया कि वो उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। मोहन फेल्ट रिलीव्ड, अब मोहन बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो गए, मतलब रिलैक्स हो गए, बहुत खुश हो गए कि अब मतलब उनकी जो चिंता का विषय था वो खत्म हो गया। द डे ऑफ हिज डिपार्चर अराइव्ड, अब वो दिन आ गया जब वो इंग्लैंड जाने वाले थे। द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द राजकोट हाई स्कूल अरेंज अ फेयरवेल एड्रेस फॉर हिम इन विच मोहन वॉज ग्रेटली अपलोडेड। अब जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट थे उन सभी ने राजकोट हाई स्कूल पे एक फेयरवेल अरेंज किया मोहनदास के लिए, क्योंकि मोहनदास इंग्लैंड जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए तालियों से उनका स्वागत किया और उन्हें फेयरवेल दिया। इन द एंड व्हेन मोहन रोज टू आंसर द एड्रेस हिज फीट शुक, अब जैसे कि उनको एड्रेस करने के लिए मतलब लोगों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, तो जब वो स्टेज पे जाने लगे और लोगों को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, एक पर्सनल स्पीच देने के लिए, तब उनके पैर जो थे लड़खड़ाने लगे, उनके जो पैर थे वो कांपने लगे। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उनके हाथ भी कांपने लगे। इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही रीड आउट वॉट ही हैड रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी उस वक्त क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से फेस नहीं किया था और इसीलिए वो एक छोटा सा पीस ले गए थे पेपर का, इसके ऊपर उन्हें कुछ लिख रखा था। इन शॉर्ट वॉट ही सेड वॉज दैट लाइक हिमसेल्फ, और उन्होंने शॉर्ट में जो बातें कही थी वो इस प्रकार है। ही एक्सपेक्टेड एवरी वन ऑफ दोज पेरेंट टू गो टू इंग्लैंड। उन्होंने मतलब लाइक हिमसेल्फ ही एक्सपेक्टेड एवरी वन टू ऑफ दोज पेरेंट टू गो टू इंग्लैंड, मतलब जैसे कि वो खुद इंग्लैंड जा रहे थे ऐसे वो भी चाहते थे कि जो दूसरे बच्चों की जो पेरेंट्स है वो भी अपने बच्चों को इंग्लैंड जाने दें। एंड ऑल्सो टू सर्व द मदरलैंड ऑन रिटर्न, और बाहर से पढ़ाई करके आकर सब अपने देश की, अपनी मातृभूमि की सेवा करें। वॉज इट नॉट इज हिज फ्यूचर स्पीकिंग थ्रू हिम, यहाँ पर उनका फ्यूचर ही बोल रहा था क्योंकि वो भी वहाँ से पढ़ाई करके आए थे और उन्होंने अपने देश की सेवा की। नाउ केम द पेनफुल मोमेंट ऑफ टेकिंग लीव ऑफ हिज मदर, अब ये एक बहुत पेनफुल मोमेंट था, मतलब बहुत दर्द भरा टाइम था जब वो अपनी मदर से दूर जा रहे थे। बोथ मदर एंड सन वेप्ट एंड वेप्ट लॉन्ग इन ईच अदर्स आर्म, मोहन जो है अपनी माँ से दूर जाने के कारण बहुत ज़्यादा रो रहे थे, दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे, मतलब दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और बहुत ज़्यादा रो रहे
थे. मदर देन कंसोल्ड हर सेल्फ बाय टीयर्स. फिर मदर ने अपने आप को समझाया और फिर अपने आंसू पोछे, ब्लेस एंड बैड हिम फेयरवेल. उसके बाद अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया. देन ही वेंट टू हिज वाइफ कस्तूरबा. उसके बाद अपनी वाइफ कस्तूरबा से मिलने गए. शी हार्डली हैड एनीथिंग टू से. अब उनके पास तो कहने को कुछ भी नहीं था. कस्तूरबा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था. हियर वॉज अ स्पीचलेस बट टीयरफुल फेयरवेल. दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए, बस दोनों की आंखों में आंसू थे. शी एक्सप्रेस हर आइडियाज विथ हर टीयर्स. उन्होंने अपने जो आइडियाज थे वो आंसू में कह दिए. नॉट विथ हर टंग. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. हाउ कुड शी से. वो कैसे कह सकती थी कि डोंट गो, मत जाओ, ऐसा कैसे कह सकती थी. एंड हाउ कुड मोहन हैव आस्क्ड हर शुड आई गो. और मोहन भी कैसे उनसे कह सकते थे कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मैं जाऊं, ऐसा कैसे वो पूछ सकते थे. फ्रॉम राजकोट अकम्पनीड बाय हिज एल्डर ब्रदर ही वेंट टू मुंबई. फिर राजकोट से वो अपने बड़े भाई के साथ मुंबई गए. देयर द हेड ऑफ द कास्ट टू विच मोहन बिलोंग. वहां पर कास्ट का हेड था जो कि जिससे कि मोहन बिलोंग करते थे. एडमोनिस्ड मोहन फॉर हिज प्लान्स टू गो टू इंग्लैंड. और जो कि उन्होंने एडमोनिश किया था प्लान इंग्लैंड जाने के लिए. नोबडी फ्रॉम अमंगेस्ट हिज कास्ट मेन हैड एवर बीन टू इंग्लैंड. मतलब मोहनदास की जो कास्ट में एक पहले व्यक्ति थे मोहनदास, जो कि कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे स्टडी करने के लिए. अ मीटिंग ऑफ हिज कास्ट मेन वॉज कन्वेंट एंड मोहन वॉज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट एट इट. अब उनके कास्ट मेन की एक मीटिंग हुई कि भैया सभी, मतलब कोई भी आज तक नहीं गया इंग्लैंड, तो एक मीटिंग हो जाती जिसमें कि हम मोहनदास को बुलाएं और उनसे कंसल्ट करें, और इसीलिए वो मीटिंग आयोजित की गई थी. और मोहनदास को वहां पर प्रेजेंट होने के लिए भी कहा गया. As was expected, several speakers opposed him. और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, कई सारे स्पीकर ने आके उनका अपोज भी किया कि भैया क्यों जा रहे हो, क्या यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते क्या, ऐसा उनसे कहा. And warned that if Karamchand's son went to England, he would be ostracized. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर करमचंद के जो बेटे हैं इंग्लैंड जाएंगे तो हम ऑस्ट्राइज कर लेंगे. बट मोहन वॉज टू बोल्ड टू यील्ड टू एनी प्रेशर. लेकिन मोहनदास जो है किसी के प्रेशर में नहीं आए, वो बहुत ही साहसी थे. ही टोल्ड देम. उन्होंने कहा यू मे ऑस्ट्रेसाइज मी. आप तो मुझे मतलब अपने मेरे पद से भटका सकते हो, मुझे मतलब मेरे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप मेरे पैर खींच रहे हो पीछे, ऐसा उन्होंने कहा. इफ यू सो डिजायर. क्योंकि आप यही चाहते हो कि मैं आगे बढ़ू ना, मैं पीछे रहूं, ऐसा वो उन्होंने साफ साफ कहा. बट आई कांट चेंज माई डिसीजन. उन्होंने ये भी कहा लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता. आई विल सर्टनली गो टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड जाऊंगा. ही स्टेड इन मुंबई फॉर अ फ्यू वीक्स. और इसलिए वो कुछ समय के लिए मुंबई में रहे. कुछ हफ्तों के लिए मुंबई में रहे. देयर ही गॉट सम इंग्लिश स्टाइल्ड क्लॉथ्स मैट एंड आल्सो लर्न टू वियर देम. वहाँ उन्होंने कुछ इंग्लिश टाइप के क्लॉथ्स खरीदे क्योंकि अब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्हें वहाँ के जैसे कपड़े पहनना थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से कुछ कपड़े खरीदे और पहनना शुरू किया. ऑन सेप्टेम्बर 4th, 1888 ही सेल्ड एट लास्ट फॉर लंदन. उसके बाद 4th सेप्टेम्बर 1888 में उन्होंने समुद्री यात्रा की लंदन जाने के. So dear student, this was the Mohan's childhood and the next things of that he was going to England finally, that we have read in this part third. Now the chapter first of this part has finished. अब देखिए जो chapter है हमारा, chapter first Mohan's childhood, इसके 3 parts थे जो कि मैंने आपको last 2 explain किए थे. ये third part था, ये कंप्लीट हो चुके हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर 2. थैंक यू.